गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज डेट 22 अगस्त, हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, क्लास है 10th और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, पहली बार जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में, फिर आई थी 1986 में, उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस इसमें लेकर आए गए थे अराउंड 1992 में, और अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, और बहुत ही अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, अभी तक जो हमारा सिस्टम चला आ रहा था वो 10+2 का था, यानी कि आप 10वीं तक आप अपने स्टेट में ही पढ़ते थे, जैसे कि आपने CBSE बोर्ड से किया है, हरियाणा बोर्ड से किया है, UP बोर्ड से किया है, तमिलनाडु बोर्ड से किया है, यानी कि अपने स्टेट से ही आप अपनी स्कूलिंग करते थे, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में किसी में भी एडमिशन ले सकते हो, तब आपका बोर्ड नहीं होता था। ठीक है, तो अब ये जो था, आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती थी 6 साल में, 6 ईयर से आप स्टार्ट करते थे और 12 साल तक आप स्कूल में रहते थे। यहाँ पर आपकी जो पूरी स्कूलिंग होगी, ठीक है, ये आपकी 15 साल की होगी, 3 साल जो होंगे वो प्री स्कूल में होंगे और 12 जो होंगे वो आपके स्कूल में होंगे। तो प्री स्कूल में क्या होगा, बच्चा जो 3 साल का होगा तब से ही उसको एडमिशन दिया जाएगा, 3 साल से ही बच्चा पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। लेकिन प्री स्कूल में जो बच्चा है, चाहे वो जाके कंचे खेले, गिल्ले डंडा खेले, चाहे वो स्कूल की ड्रेस में जाए चाहे ना जाए, यानी कि स्कूल तो जाना होगा लेकिन स्कूल की ड्रेस में नहीं, बस खेलने कूदने के लिए उसको जाना होगा, तो 3 साल तक वो सिर्फ खेलने कूदने स्कूल में जाएगा। तो आप वहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटी होंगी, तो उससे बच्चे का ना खुद जाने का मन करेगा स्कूल में, तो ये 3 साल सिर्फ खेलने कूदने के लिए स्कूल में जाने के लिए होंगे। उसी तरीके से टीचर्स को भी प्रिपेयर किया जाएगा। फिर क्या होगा, जब वो 6 से 8 साल का होगा तो वो क्लास 1 और क्लास 2 में हो जाएगा, जिसको बोलेंगे फाउंडेशनल स्टेज, और इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, इसमें भी कोई एग्जाम नहीं होगा, वो 1st और 2nd क्लास पास कर लेगा लेकिन बिना एग्जाम के। फिर यहाँ पे 3rd, 4th और 5th क्लास, ये है प्रिपेरेटरी स्टेज, इसमें एग्जाम होने स्टार्ट होंगे लेकिन जो पढ़ाई होगी वो मदर टंग में होगी या फिर मदर लैंग्वेज में होगी, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि मराठी में या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज है उनमें पढ़ाई कराई जाएगी और अदर एक्टिविटीज भी कराई जाएंगी। अब हम आते हैं मिडिल स्टेज में, यानी कि 6th, 7th और 8th में। 6th क्लास से आपकी कंप्यूटर कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कंप्यूटर में कोडिंग सिखाई जाएगी। अब कितने बच्चों को ये पता है कि कोडिंग क्या होती है, जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको बता सकूं कोडिंग क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी, ये सारे सब्जेक्ट ले सकेंगे आप। साथ में यहाँ पे एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है उसमें क्या होगा, उसमें आपको जैसे कि कोई बच्चा सिलाई सीखना चाहता है, ठीक है, अब देखिए कितने मस्त मस्त डिजाइनर होते हैं, कितना अच्छा डिज़ाइन करते हैं कपड़ों को, बड़े बड़े डिजाइनर्स होते हैं, हो सकता है किसी लड़के का या किसी लड़की को मन हो उस टाइम में सीखने का, वो उस टाइम सीखा जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, वहीं से आपके इंटरेस्ट पता लगने लग जाएंगे। फिर आपकी स्टेज आती है ये वाली सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज में आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है, इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगी, जैसे आपकी 12वीं, 11वीं में जाके आपको स्ट्रीम चूज करनी होती थी, लेकिन अभी आप 9th से ही स्ट्रीम यानी कि अपने चॉइस के सब्जेक्ट ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो स्ट्रीम सिस्टम है कि आर्ट से है, ये मैथ से है, ये साइंस से है, ये कॉमर्स से है, वो सब खत्म हो गया है। आप चाहें तो अकाउंट ले सकते हैं, साथ में आप हिस्ट्री ले सकते हैं और बायोलॉजी ले सकते हैं, आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को चूज करने में फ्लेक्सिबिलिटी है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आपके कंसेप्ट को बिल्ड किया जाएगा बजाय कि रोट लर्निंग के, बजाय कि रट्टा मारने वाली लर्निंग सिखाने के, ठीक है। स्कूल एग्जाम विल बी हेल्ड ओनली फॉर 3 लेवल्स, जो एग्जाम होंगे क्लास 3, 3, 5, 8, ठीक है, इनके लिए एग्जाम होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी ये एग्जाम्स है इसके लिए होंगे ये वाले, ठीक है, प्रिपेटरी, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज के लिए। असेसमेंट भी है ना, वो पूरा मार्क्स के बेस पे नहीं होगा, फॉर्मेटिव स्टाइल में होगा, जिसमें आपके फ्रेंड्स की भी कुछ फीडबैक ली जाएगी। अब आपके फ्रेंड्स से यानी कि आपके क्लास वालों से पूछा जाएगा ये बच्चा कैसा है, तो फिर आपको एक संबंध आपके अच्छे बनेंगे आपके क्लासमेट से, आपके दिमाग में रहेगा कि बना के रखते हैं लास्ट में पता नहीं कैसे वो दे देगा, तो वहाँ से आप बचपन से ही अच्छे संबंध बनाना सीख जाओगे, ठीक है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग होगी और कंसेप्ट कैसे हैं आपके ये देखा जाएगा। बोर्ड एग्जाम कंटिन्यू तो रहेंगे लेकिन उतने ज़्यादा जैसे बोलते हैं टफ या उस स्टेज पे नहीं रहेंगे। अभी ऑल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स,
दो बार जो सभी स्टूडेंट हैं उनको दो बार वो बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, एक तो मेन एग्जाम होंगे और दूसरा वो इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं अगर वो चाहें तो। होम लैंग्वेज, अभी देखो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी अभी तो कोविड 19 से ही निपट ले पहले, उसके बाद अगर अच्छे से निपटे तो ये 2022 या 2023 के आसपास लागू हो जाएगी। ये हम बता चुके हैं मदर टंग में सिखाया जाएगा 8वीं क्लास तक। अब मुझे ये थोड़ा सा ये लगता है कि इंग्लिश ना एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अपनी यूट्यूब पे भी देख लो, हम लोग कितनी सारी इंग्लिश में चीज़ें देखते हैं, या फिर अगर हमें इंग्लिश आती होती है तो हम बाहर के लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना। सो यहाँ पे इसको थोड़ा डिले कर देना क्लास 8 तक, वैसे तो देखो कंपलसरी नहीं है, प्राइवेट स्कूल चाहे तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मान लो अगर गवर्नमेंट में भी अगर मदर टंग में पढ़ाया जा रहा है, एक तरफ ये अच्छा भी है, 50-50 है, मतलब इंग्लिश को इग्नोर करना इज नॉट, ये एक बहुत ग्लोबल लैंग्वेज है, बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इससे देखो मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये लगता है कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए इंग्लिश, क्योंकि बाद में जो सब्जेक्ट्स होते हैं मटेरियल भी उनमें ज़्यादा होता है और बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए ऑल सब्जेक्ट विल बी ऑफर्ड एट टू लेवल, जो भी सब्जेक्ट हैं वो दो लेवल से स्टार्ट होंगे, जिनकी बिगनिंग स्टार्ट होगी, बिगनिंग विल बी डन विद द मैथमेटिक्स, ठीक है। स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैगलेस डे, यानी कि आपको, हमारे पास एक भी दिन ऐसा होता था ना जैसे 14 अगस्त वाला दिन होता था अराउंड बिना बैग के जाना है तो इतनी खुशी होती थी, अब तो 10 दिन बिना बैग वाले होंगे जिसमें आपको जो स्किल वाली ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी स्किल बेस्ड, जैसे कि आप किसी को सिलाई सीखनी है, किसी को फर्नीचर बनाने का काम सीखना है, बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी इसमें जो आप सीख सकते हैं। अब आपको एक लेटर लिखना है, लेटर राइटिंग एक्टिविटी है आपकी, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको ये लिखना है। तो देखिए पहली बात आपको क्या लिखनी है कि आप किन किन फीचर्स आपको बहुत अच्छे लगे। मुझे सबसे अच्छा फीचर ये लगा कि स्ट्रीम नहीं रही है अभी, ठीक है। तो देखो बायोलॉजी भी ले सकता है कोई बंदा जिसको बायोलॉजी अच्छी लगती है, जिसको साइकोलॉजी अच्छी लगती है वो भी ले सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट चूज कर सकता है, कोई बायो, कोई आपका साइंस वाला नहीं है, कोई आपका आर्ट्स वाला नहीं है। थिंग्स दैट यू आर कंसर्न अबाउट, तो आपको कौन सी चीज़ कंसर्न लगी, मुझे इंग्लिश वाली लगी थोड़ी सी कंसर्न, वैसे इतनी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा हो सकता है। और दूसरा एनी क्वेश्चन कमिंग टू योर माइंड, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपको कोई समझ में, ये तीन चीज़ें आपको इंक्लूड कर ली है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक लेटर लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल GGBBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली, डेट हमारी ये है, डियर मैम, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सर भी लिख सकते हैं, आई एम पूर्णिमा, ए स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू लेट यू नो अबाउट माई व्यूज अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच हैज़ बीन फ्रेम्ड, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर ऑल दिस न्यू सेट ऑफ पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ अ स्कूल एजुकेशन, 5+3 ये मैंने समझा दिया कि क्या मतलब है इसका, पहले 5 साल यानी कि 3 साल तो खेलो कूदो, 2 साल में आपकी फर्स्ट और सेकंड होगी, फिर इस वाले 3 में क्या होगा, इस वाले 3 में आपकी 3rd, 4th और 5th होगी, अगले वाले 3 में क्या होगी, 6th, 7th और 8th होगी, फिर आगे वाले में 9th, 10th, 11th, 12th होगी, 3 years इन प्री स्कूल एंड 12 years ये आपका एक स्ट्रक्चर है। द हैप्पी पार्ट इज दैट बोर्ड एग्जाम विल बी लेस ऑफ स्टेक, इट इज़ इवन नाइस टू नो दैट देर इज नो सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स लाइक साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, आई एम कंसर्न अबाउट दिस चेंज, विच चेंज जो मैंने कोट किया हुआ, मदर टंग लोकल लैंग्वेज विल बी यूज टू टीच टिल क्लास 8, इफ इंग्लिश ए ग्लोबल लैंग्वेज इज इग्नोर टिल 8th क्लास स्टूडेंट विल फेस डिफिकल्टी इन लेटर क्लासेस, ओवरऑल इट्स अ गुड पॉलिसी इफ इम्प्लीमेंटेड वेल, अगर बना तो दिया आपने, पेपर पे तो लिख दिया बड़ी बड़ी बातें, अब ये जब आप इम्प्लीमेंट कर दोगे इसके लिए आपको किस तरीके से टीचर होंगे। देखो मुझे सच में ये लगता है कि दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, स्टूडेंट की विल तो बहुत इंपॉर्टेंट होती ही होती है, लेकिन जब छोटे होते हैं तो किसका पढ़ने का मन करता है, बहुत खेलने का मन करता है, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट को बनाने के लिए एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं सच कहूँ मेरे को 10th तक ना मुझे नहीं मालूम मेरे मार्क्स किस तरीके से आते थे, नकल तो खैर मैं नहीं मारती थी, बट मुझे घर का काम करना नहीं अच्छा लगता था, तो मैं सारा दिन किताब लेके बैठी रहती थी, तो कुछ तो पढ़ती होंगी वहाँ से लिख देती होंगी, बट 9th और 10th क्लास में मेरी एक मैम थी बिंदु मैम, जिन्होंने जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाती थी मैथ्स भी और साइंस भी, तब से मेरा थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट बना था और तब मेरे 10th में दोनों में ही 95 मार्क्स आए थे।
तो देखा जाए तो जब मैं 10th क्लास से एक ऐसा होता कि चीजों को समझना मैंने वहां से स्टार्ट किया था, अदरवाइज उससे पहले मैं क्या करती थी, मैं अभी भी याद करने की कोशिश करूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आता है कि मेरे मार्क्स कैसे आते थे। आप लोगों को भी अगर अभी भी आपने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया ना, और अगर आप भी अभी 10th क्लास में हो, अगर अभी भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, चीज़ें समझना स्टार्ट कर सकते हो, मैथ नहीं आता है मैथ स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो, इतना कुछ है ना हमारे पास आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के टाइम में कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यूट्यूब पर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप में मन में ये है ना कि पढ़ना ही है, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। तो चलिए अपना लेटर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू मैम फॉर पेशेंटली रीडिंग दिस लेटर, लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड स्कूल सून, रिगार्ड्स पूर्णिमा। ओके, यहाँ पर आपको पूर्णिमा नहीं लिखना है, ये मेरा नाम है, ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।